इस्राइल की संसद और राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर हुए हमले की दुनिया भर के देशों समेत भारत ने भी निंदा की है। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को टैग करते हुए कहा है कि ब्राजीलिया में राष्ट्र की संस्थाओं में दंगा और तोड़फोड़ की खबरों से चिंतित हूँ। लोकतांत्रिक परंपराओं का सबको सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील की सरकार को पूरा समर्थन देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हुए इस हमले की निंदा की है और कहा है कि ब्राजील के लोगों और यहाँ की संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। यहाँ कैनेडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ब्राजील सहित किसी भी लोकतंत्र में लोगों की लोकतांत्रिक पसंद का सम्मान करना सर्वोपरि है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं ब्राजील में लोकतंत्र और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर हमले की निंदा करता हूं और ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं का हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है और ब्राजील के लोगों की इच्छा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।